पंकजा मुंडेंनी वारंवार आपल्याच पक्षाला अनेकदा घरचा आहेर दिलाय, तर काल झालेल्या अहिल्यादेवी होळकरांच्या कार्यक्रमातही भाजपवर त्यांनी निशाणा साधलाय. यावेळी रासप माझं माहेर घर असून जानकर मलाच बुक करतात असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. तर कशाही भावांच्या पाठीशी उभी राहिले जानकर तर माझा चांगला भाऊ असाही टोला त्यांनी भाजपला लगावलाय. मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है. आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ. मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ, वो बोल रहे हैं मैं लड़ती रहती हूँ. सही है कि मेरे तो ये मेरा मायका है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है. इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं. अर्जुन मुंडे साहब के मृत्यु के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितने भी कार्यक्रम होंगे 31 मई के, उतने में पंकजा मुंडे ही अध्यक्ष है. मुझे बुक ही कर दिया. और ऐसा होता था तो चौंडी भी जाऊं, इनके कार्यक्रम में भी आऊं. ऐसे मेरी दोनों तरफ खिंचातान होती थी. तभी माझा भाऊ मोठा झाला तर मला आनंद आहे. कसले पण भाऊ मोठे झाले तर आनंद आहे, तर चांगलाच भाऊ आहे माझा. त्यामुळे आता घरी जायचं नाही. तुम्ही म्हणलात स्वाभिमान गायन करायचं नाही, आम्ही कुणाला काही मागणार नाही. असं जर तुम्ही फिरलात वर्षभर तर तुमच्या मागे लोक फिरतील. एवढ्या जागा घ्या, एवढ्या जागा घ्या, एवढ्या जागा. मेरे तो मैं इलेक्शन में हार गई. सब बोले हार गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई. उल्टा हारने के बाद ज्यादा बड़ा नाम हो गया, ज्यादा लोग प्यार करने लगे. क्योंकि हारने से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परहेज नहीं, झुकना लोगों को पसंद नहीं. गडकरी साहब ने भी कहा, एक इतने बड़े नेता आज देश के सबसे ज्यादा विकास करने वाले नेता है. पर देखिए महादेव जी जानकर जी का एक निमंत्रण गया. फिर मैंने 2-3 दिन पहले उनको फोन किया, उनसे बात नहीं हुई. मैंने उनके स्टाफ को बताया कि मैं भी आ रही हूँ कार्यक्रम में और अपेक्षित है गडकरी साहब. तो महादेव जी जानकर जी का सम्मान करते हुए आज आए और बहुत अच्छे से भाषण.